अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जब कारसेवकों पर गोली चलाई गई थी तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गोली चलाई गई और तब की सरकार ने बहुत ही सही फैसला लिया था। हालांकि इसको लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं, भक्ति पथ पर हूं और तमाम श्रद्धालु जो भक्त हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे जानते हैं कि आखिर जिस तरीके से सियासत हो रही है उसको लेकर क्या सोचते हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक बंका है, मेरा घर मुजफ्फरपुर है और फिलहाल गोरखपुर रहते हैं। अच्छा, गोरखपुर में रहते हैं तो सीएम के शहर से आप। हाँ हाँ हाँ। दीपक जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। जिस तरीके से अगर हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, नेताओं की इस पर बहुत ज़्यादा बयानबाजी हो रही है, किस तरीके से आप लोग इसको लेते हैं? देखिए, भारत मतलब राम और राम मतलब भारत, राम कृष्ण और शिव ये भारत की अस्मिता है, जिसमें राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो आचरण जिया है उसको किसी भी नेता की वजूद नहीं है कि वो उस पर आक्षेप करने की अपनी उनकी सामर्थ्य भी हो। तो जिसकी खुद की कोई सामर्थ्य नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कोई बयान करे या टीका टिप्पणी करे, तो उसके बारे में क्या दिग्भ्रमित होना। देखा जाए तो मंदिर के लिए एक लंबा संघर्ष चला था, 500 सालों का संघर्ष चला था और मंदिर आंदोलन जब अपने चरम पर था तब इसी अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाई गई। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका ये कहना है कि जो गोली चलाई गई वो बिल्कुल सही था। आम नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं उनके इस बयान को लेकर? देखिए, हम लोग तो कारसेवक रहे हैं और जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो हमारे ही बगल में समस्तीपुर में आडवाणी जी का रथ रोक लिया गया था और आज लालू जी और मुलायम जी जिन्होंने उनका रथ रोका और या जिन्होंने गोली चलाई उनके परिवार की क्या स्थिति है और जो राम का झंडा ढोए उनकी क्या स्थिति है, ये सापेक्ष नज़र आ रहा है। इसलिए इसको लिए टीपा टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। कारण क्या है कि वो अपने जहाँ फाजिल नगर से चुनाव लड़ाया गया था वहाँ उनकी क्या स्थिति रही वो अपने गिरेबा में झांके, तो वो उनको मालूम है कि मेरी स्थिति तो खत्म हो गई। लगता है कि खास वर्ग को प्रभावित करने के लिए उनके द्वारा ऐसा बयान दिया जा रहा है। देखिए, आज के दिन हम लोग के साथ जो मुस्लिम समाज है वो भी बहुत खुश है, वो भी उतने ही खुश है। अब अपवाद तो सब जगह होते हैं उनको, क्योंकि उनको वो भी अपने आप को राम से ही जोड़ रखे हैं, कहीं ना कहीं उनके वंशज भी राम से ही जुड़े हैं। इसलिए ये सवाल जो है ये तथ्यहीन है, बेकार है। राम मतलब भारत, भारत मतलब मर्यादा, और ये सिर्फ राम मंदिर का सवाल नहीं है, ये राम राज्य आने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका। और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? मैं बंटी ठाकुर, हिमाचल। अच्छा, हिमाचल से हैं आप। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सुना है आपने? स्वामी प्रसाद मौर्य एक हैं समाजवादी पार्टी के नेता, नाम सुना है उनका आपने? हाँ जी, सुना जी। उन्होंने आज एक बयान दिया, कल दिया था बयान कि जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई जब कार सेवा यहाँ पर चल रही थी तो वो घटना जो थी बिल्कुल सही थी और सरकार ने, तब की सरकार ने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने बिल्कुल सही फैसला लिया था। देखा जाए तो राजनीति तेज हो गई है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, आम नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखो, सबसे पहले तो योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद राम मंदिर के लिए, जो इतने वर्षों से कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, जिसको हम चाहते थे हिंदू लोग जो है, उसके लिए हम योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से आभारी है आदम प्रथम। लेकिन जब इस पर सियासत हो रही है राम को लेकर, अयोध्या को लेकर, तो कैसा लगता है आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये एक साक्षात झूठ है। हिंदू आस्था का सवाल है, राजनीति कर रहे हैं ये लोग, जो ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई, ऐसा हमारे मन में कोई शंका जोड़ के। योगी जी और मोदी जी से एक विनती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। देखिए, हिमाचल से आए लोगों की राय है, आप कहाँ से हैं? बलिया, बलिया के रहने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुना आपने? उन्होंने कहा कारसेवकों पर जो गोली चलाई गई थी वो अच्छा कदम था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अब जो है राजनीति छोड़ के और साग सब्जी उगाना चाहिए, खेती बाड़ी में लग जाना चाहिए, क्योंकि जो उनका कार्य है उनमें उनको लग जाना चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग जो है सठिया गए हैं। अच्छा जी, 60 के हो चुके हैं, वो सठिया गए हैं, अब उनको खेती में लग जाना चाहिए, गोभी भंटा साग उगाएं और मजा करें, मंदिर और ये सब के चक्कर में पड़ना उनको बेवकूफ़ी है। तो देखिए, इस वक्त मैं भक्ति पथ पर हूँ और कोशिश
मेरी यही है कि जो राजनीति हो रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। देखिए एक ग्रुप है मेरे सामने, इनसे भी जानते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है, इनका क्या मानना है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब अच्छा चलिए ठीक है, आप कहाँ से हैं? आप हिमाचल। अच्छा आप लोग हिमाचल से आए हैं। हाँ जी। दर्शन हो गया? दर्शन बहुत बढ़िया दर्शन हुआ था। एक बड़ा मौका आने वाला है, बड़ा अवसर है 22 जनवरी को। लेकिन देखा जाए कि 22 जनवरी की जो तारीख है, जैसे जैसे पास आ रही है, इस पर अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं। कोई भगवान को मांसाहारी बता रहा है, कोई प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जब ये बातें आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है? हमारों को कुछ नहीं लगता, सब राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है। जो दर्शन करने आए वो उनके विचार कुछ और हैं। जैसे हम लोग हिमाचल से आए हैं तो वो तो देव धरती है, तो देवभूमि है। तो देखिए देवभूमि से आए लोग हैं, आप कहाँ से हैं? हम भी देवभूमि से आए जी। आप भी हिमाचल? हाँ जी हिमाचल। अगर हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जब ऐसी चीजें आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों को लगता है कि एक खास वर्ग को प्रभावित करने के लिए ये बयानबाजी दी जा रही है? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सारा राजनीति का वो है, बाकी हमारा ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की मान प्रतिष्ठा है, तभी हम इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं, इतने लोगों के बीच इतनी दूर से हम यहाँ पे आए हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखिए ये हिमाचल से आया हुआ एक ग्रुप है और दर्जनों लोग हैं, चूँकि इनका भी मानना है कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और जिस तरीके से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसका जवाब जनता देगी। आप कहाँ से हैं? मिर्जापुर। मिर्जापुर से हैं। ये बताइए कि दर्शन करने आए थे आप, प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और बयानबाजी भी इस पर हो रही है। अभी ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो मंदिर आंदोलन के समय में कार सेवकों पर जो गोली चलवाई गई थी वो फैसला बिल्कुल सही था, क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान को लेकर? स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो दिमाग है बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है इस मामले में। गोली किसी के ऊपर चलाना एक कानून अपराध है, ऐसा कोई कानून भारत संविधान में नहीं बनाया गया था जिससे आप डायरेक्ट गोली चला सकते हैं। उसको आप कोई अगर कोई गलत काम कर रहा है उस पर आप दंड दे सकते हैं, उसका जिस प्रकार से दंड रहेगा उस हिसाब से उसको, मतलब जिसका उसका जुर्म रहेगा उस हिसाब से उसको दंड दे सकते हैं। किसी को आप मृत्यु नहीं दे सकते हैं, ये कहीं का कानून नहीं है। स्वामी प्रसाद मुर्दा जी का दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है, वो बिल्कुल भी राजनीति करने लायक नहीं है। मैं इस मामले में ही कहूँगा कि इस बार जितने भी विरोधी हैं वो सोचा को हिंदू धर्म और भारत का संपूर्ण भारत का विकास हो रहा है, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र का विकास। पहली बार नहीं जब उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया, पहले रामचरितमानस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे जी। तो आपको लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति है, उसके तहत ये लोग आगे बढ़ रहे हैं? मैं आपको इस बारे में बता दूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और समाजवादी पार्टी के और भी कुछ सेवक हैं, जैसा सुनने में और सोशल मीडिया पता रहता है कि मुझे मकबरा वापस दिलवा दीजिए, उनका जहां पे स्थान उनको मिले, मुझे यहां हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं, जिसका जहां पे मंदिर है वहां पे रहेगा। मैं हिंदू पक्ष में भी हूं, मुस्लिम पक्ष में है, हमारा संपूर्ण भारत सबके ईसाई धर्म हो या कोई भी कॉस्ट हो, यहां पे जितने भी राजनेता लोग हो राजनेता करते हैं, हम हिंदू और मुस्लिम बांटे नहीं है, हम दोनों लेके हैं। नेतागिरी चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मेरा रहेगा हिंदू मुस्लिम दोनों मेरे भाई हैं और सब हम लोग एक साथ काम करते हैं और एक साथ काम करेंगे। मतलब धर्म पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं मेडकर नगर से हूँ। नगर से क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार जायसवाल है। संतोष जी, स्वामी मौर्य का बयान सुना होगा आपने, उन्होंने कल कहा है कि कारसेवकों पर जो गोली चलाई गई थी वो सही था और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया था, क्या सोचते हैं उनसे इस बयान को लेकर? स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो समाज विरोधी बयान है और स्वामी प्रसाद मौर्य को एक हिंदू होते हुए इस तरह का कमेंट्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी पे गोली चलाते हैं या रोकने के लिए चलाते हैं तो पैर में गोली मारी जाती है, ना कि सिर में मारी जाती है। 1990 में जो भी कांड हुआ था उस समय जो भी कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी वो सर पर चलाई गई थी, एक सोची समझी चाल थी, हिंदू विरोधी चाल थी और स्वामी प्रसाद मौर्य भी एकदम पागल हो चुके हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? शशिभूषण शास्त्री। आप यहीं अयोध्या के हैं? मैं अयोध्या से हूँ जी। अयोध्या से हैं, उस दौर में थे आप जब कार सेवा यहाँ पर चल रही थी? जी जी, उससे बहुत पहले से, बाल्यकाल से यहीं पर मैं। उसी समय को लेकर एक बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, उन्होंने कहा है कि जब कार सेवकों पर गोली चली थी तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तत्कालीन सरकार ने वो कदम उठाया था। चूंकि आप अयोध्या के रहने वाले हैं, कार सेवा को भी आपने देखा है, क्या सोचते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के पीछे क्या कुछ वजह है, क्या कुछ वजह हो सकती है? अब देखिए, वजह इसमें कुछ भी नहीं है, ये केवल मात्र अपने मीडिया में छाने के लिए, लोगों को बीच में आने के लिए। जैसे मान ले गलियों में एक पागल घूम रहा है,
और वो पागल कहे कि ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद है, तो लोग हंसी उड़ाए, अरे तो पागल है, छोड़ो इसकी बात को, बस वही मौर्य, और मौर्य कुछ नहीं है, वो पगला गया इसमें इस समय, और उनकी बातों को कोई मतलब बिल्कुल जो साधारण मूर्ख जैसा आप समझ लीजिए, पागल समझिए उसको, और ऐसा कोई नहीं। देखिए वो लोग बाल्यकाल से यहाँ रह रहे हैं, आज इतनी देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं, किसको, मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा महाराज कि एक मैं बाल्यकाल में गाना सुना था, अयोध्या में आज इतनी खुशियाँ हैं हमारे, इतनी खुशियाँ बेसब्री से हम लोग 22 तारीख को इंतजार कर रहे हैं कि एक बाल्यकाल में गाना सुना था, उस गाना उच्चरितार्थ हो रहा है आज 22 तारीख के उत्सव में। अरे जिसका मुझे था इंतजार, अरे बरसों से मेरा दिल बेकरार, ओ घड़ी आ गई आज, अयोध्या में गजबे बहार छा गई आज, अयोध्या में गजबे बहार छा गई, जोगी भी आएंगे, मोदी भी आएंगे, विदेश से सारे मेहमान भी आएंगे, मीडिया वालों का बहुत धन्यवाद, अयोध्या में गजबे है छाई बहार आज, अयोध्या में छाई है गजबे। ये बहार कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, कुछ देखिए, कुछ लोग, केवल कुछ लोग, और वो कुछ लोग कौन हैं जिनको, अब देखिए जैसे मौर्य को ही आपने मान लिया, मौर्य अपने व्यक्तिगत जो उनकी बिटिया रानी है वो हमारे कदम में कदम मिलाकर चल रही, जो अपने जो बिटिया को नहीं समझा पा रहा वो देश के दुनिया के जनता क्या समझा पाएगा, इसलिए जी जी तो यही बात है, कुछ लोगों को ये दुनिया है, 1.25 करोड़ जनता साथ है, 2-4 लोग ना समझ लोग विरोध कर, उसे कुछ होने वाला नहीं है। जय श्री राम। देखिए इस वक्त मैं भक्ति पथ पर हूँ और इस वक्त मैं चर्चा कर रहा था स्वामी मौर्य के उस बयान को लेकर जो उन्होंने कल दिया है। कल उन्होंने कहा कि 1990 के आसपास जब अयोध्या में मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और उस वक्त जब कारसेवकों पर गोली चलाई गई, वो जो फैसला था सरकार का फैसला इसलिए सही था क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार ने वैसा कदम उठाया था। हालांकि अब देखा जाए तो स्वामी मौर्य के इस बयान पर काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, खासतौर पर अगर हम भाजपा की बात करें, संघ परिवार की बात करें या फिर विश्व हिंदू परिषद की बात करें, और जिन लोगों से मेरी यहाँ पर बातचीत हुई उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के पीछे राजनीति छिपी हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कार सेवा के दौरान जो अयोध्या में मुलायम सिंह यादव सरकार ने गोली चलवाई थी वो कानून व्यवस्था और संविधान बचाने के लिए ज़रूरी था, एक तरह से उसका बचाव किया है। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ प्रयागराज के आम लोग हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का क्या मायने हैं और इस बारे में वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो कार्रवाई की थी मुलायम सिंह यादव सरकार ने कार सेवकों के खिलाफ, उपद्रवियों को उन्होंने कहा है, वो सही थी क्योंकि कानून और संविधान बचाने के लिए गोली चलाना जो है वो ज़रूरी था। देखिए अब इस विषय में मंदिर का निर्माण भी हो चुका और राम मंदिर के लिए आंदोलन बहुत हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय सबको पता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कब क्या बोल दें उनका कोई भरोसा नहीं है, उन्हें यही नहीं पता कि उनका जन्म भी हुआ है कि नहीं हुआ है, वो प्रकट हो गए हैं या कहां से आए हैं, जब उन्हें यही नहीं पता तो उनके बारे में कोई चीज़ कहना ठीक नहीं है, उन्हें शर्म आनी चाहिए ये सब बोलने से, पहले सोचना चाहिए कि अब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाना अगर उनका पेशा बन गया है तो अच्छा है, समाजवादी पार्टी को वो नष्ट करने पर तुल गए हैं, वो सपा को नष्ट करते रहें, जैसे उधर राहुल हम लोगों को फ़ायदा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को राहुल के होने से वोट बैंक हमारा बढ़ता है, भाजपा का बढ़ता है, वैसे समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के अंडमंड बोलने से वोट बैंक भाजपा का बढ़ता है। क्या लगता है गोली चलाना ज़रूरी था? अब उस समय की बात तो बहुत ज़्यादा हमें याद नहीं क्योंकि बहुत उम्र छोटी थी मेरी, और 91 की बात है मेरे ख्याल से, तो 91 में बहुत ज़्यादा आइडिया, लेकिन लोगों ने जो सुना, हमने जो सुना है बड़े बुजुर्गों से कि तत्कालीन कहीं पे भी 144 जब लागू होता है तो जब भीड़ उग्र हो या भीड़ कोई ऐसा काम करे जिससे जनमानस का या पब्लिक में सौहार्द की भावना या अशांति की भावना आ जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो भी उस समय तत्कालीन वहाँ के DM रहे होंगे उनको कहा गया होगा, उनको जो ठीक लगा होगा उन्होंने किया होगा। लगता है कार्रवाई, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कुछ लोगों को अभी भी ऐसे मौके तलाशने के प्रयास करते हैं जहां पर उनको कहीं ना कहीं कोई मीडिया बाइट मिल जाए, कहीं कोई फ़ोटो छप जाए, कहीं कोई नाम ले ले, कहीं कोई, वरना ये सब मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं। जैसा अभी भाई साहब बता रहे हैं मंदिर बन चुका है और मंदिर भव्य बना है, 500 साल के संघर्ष के बाद ये भव्य मंदिर बना है,
इसका ये उत्सव मनाने का समय है। उत्सव मनाने का समय, आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात, एक शब्द है इंग्लिश का अपॉर्चुनिटिस्ट, मतलब अवसरवादी। जब तक ये बीजेपी में थे, लंबे टाइम तक ये थे, तब तक इन्होंने अपने होड़ सिल रखे। अब जैसे जैसे चुनाव के नज़दीक आ रहा है, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए, यही एक वर्ड नहीं, इसके पहले भी इन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें बोली हैं जो डायरेक्टली हमारे मैथोलॉजी को, हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को ये ठेस पहुँचाकर अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं, जो कि हम पहले से ही काफ़ी डिसीव्ड थे 500 साल पहले से, और ये चीज़ें हो रही हैं। इनको उस फेवर में अगर नहीं भी है तो विरोध में नहीं होना चाहिए। वकील साहब, इस मौके पर जिस तरह का बयान दिया, लोग कह रहे हैं कि अब राम मंदिर का की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय वो गोली चलवाने को का जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। हाँ, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, मंदिर मस्जिद पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। अब वो आस्था का सवाल है तो आस्था पे किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हो। उनका मोटिव है, राम उनके लिए हमेशा चुनाव का विषय रहे हैं, मंदिर हमेशा उनके लिए चुनाव का एक मुद्दा रहा है। ये किसी अन्य पार्टी को उनके मुद्दे से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये उनका मुद्दा है तो उन्हीं के पास रहना भी चाहिए। और आप अपनी पार्टी का अपना जो वो है, अब हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई, किसी के धर्म पर टिप्पणी करना या किसी मंदिर मस्जिद पर टिप्पणी करना हम उचित नहीं मानते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य विक्षिप्त स्थिति में हैं, ये सारे समाज को पता चल चुका है। अब हम लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय में बात करना भी ये लगता है कि जैसे फालतू की इन पचड़ों में कोई ना पड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य की विवेक शून्य हो चुका है, वो कहीं से भी किसी भी लायक अब नहीं बचे हैं। पहले कभी वो राजनीति करते थे, अब लगता है कि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो बची खुशी है उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं ये वही जानते हैं, मानसिक स्थिति खराब है या वो भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि भाई साहब कह रहे हैं मानसिक स्थिति खराब है, वो तो पहले शायद भाजपा में भी थे, ऐसा कुछ थे क्या? ऐसा भाजपा में थे, शायद मिनिस्टर भी रहे होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि भाजपा वालों ने उनकी स्थिति खराब करके यहाँ भेजा हो। ये सब कहना गलत उचित बात नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ये वो किसी समाज का विचार नहीं है, वो किसी धर्म का विचार नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत विचार है। किसी विक्षिप्त आदमी को अखिलेश यादव ने रख लिया है और उसको सचिव बना दिया। वो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं वो सपा में रहें, भाजपा और आगे वोट बैंक बढ़ जाएगा भाजपा का। आप क्या कहेंगे कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं गोली चलाना जरूरी था, कार सेवकों पर जो गोली चली थी उपद्रवी थे और कानून और संविधान की रक्षा के लिए कार्रवाई जरूरी थी? अब वो अपना गुस्सा और अपना जो है खींच तो किसी न किसी तरीके निकालेंगे ही, बाकी है तो सब गलत ही। वो कितनी बार पलट चुके, कितनी बार गिर चुके, वो तो सब आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है। दल पलटू नेता है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है, खुदा मिला न विशाले सनम, इस समय उनकी स्थिति वही है, स्वामी प्रसाद मौर्य की यही स्थिति है। आप क्या देखिए, कैसा है अब देश, राजनीति से नहीं राम नीति से चलेगा। अब समय वैसा आ गया और अभी भी समय है। अब जितने भी लोगों ने गलतियां करी, अभी भी भगवान के नाम, भगवान के शरण में आएंगे तो भगवान उनको अवश्य माफ़ करेंगे। भगवान राम बहुत उदार हृदय के थे और अभी भी समय है, माफ़ी मांगनी चाहिए और राम नीति से देश को चलाना चाहिए, उसी में देश का और विश्व का कल्याण है। आप बताएं कि इस समय जब 22 तारीख को कुछ दिन बचे हैं और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इस तरह इस समय इस बयान का क्या मतलब? हाँ, यही मैं कह रहा था कि उनको इस तरीके की बातें कहनी ही नहीं चाहिए। आज राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और ऐसा निर्माण हुआ है कि पूरा विश्व इसकी तरफ देख रहा है, पूरे विश्व कर की निगाह सिर्फ 22 जनवरी पर है, राम मंदिर पर है। उसमें इस तरीके की ओछी बातें कर करके ये करना क्या चाहते हैं, यही ये अपने विवेक शून्य होने का, अपने को नगण्य होने का प्रमाण दे रहे हैं। और कुछ आप लोग बताइए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है वो कह रहे हैं कि जो गोली चलाई गई थी कार सेवकों पर तो कानून और संविधान की रक्षा के लिए वो ज़रूरी थी। ये नेता आदमी हैं, ये राजनीति के हिसाब से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और ये अपने समाज को तोड़ रहे हैं और अपना भी अस्तित्व खोएंगे। ये इतना ही कहेंगे, इससे ज़्यादा कहने लायक कुछ स्थिति नहीं है। किसी को कुछ भी कहना हमारा संवैधानिक अधिकार तो नहीं है इस हिसाब किताब में, लेकिन हाँ, ये जो कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, अब इनको अपने हिसाब से सोचना चाहिए। ऐसी है जिनको उनके घर के लोग भी पूछना बंद कर देंगे अगर ऐसी उनकी बातचीत होती रही तो। मुझे लगता है वो विवादित बयान इसलिए देते हैं ताकि अभी तक एक दो बार शायद सुनने को मिला कि उनको मारा और पड़ा, किसी ने चप्पल जूता फेंका है, लेकिन मुझे क्लियर लगता है कि वो विवादित बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई उन्हें जमकर के लताड़े या जूता मारे, ताकि उनको ये लगता है कि जूता खाने से सिंपैथी मिल जाए
तो हो सकता है कि मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से वो ये भी कर रहे हो। देखिए, सारी चीज़ हम स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं ब्लेम कर सकते। सीधी सी बात है, उनकी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी जो पार्टी की फिलॉसफी है, जो इनका ट्रेंड है, वो अखिलेश यादव का, उनकी समाजवादी पार्टी का, वो यही है कि फिलहाल वो कुछ कर तो पाए नहीं इन सारी चीज़ों में, तो अपने वोट बैंक को जस्टिफाई करने के लिए कि हमने कुछ तो, एक जिसको बोलते हैं हिंदी में तुष्टीकरण, यार मैं कुछ तो ऐसा बोलूं कि सामने वाले को कि ये इफेक्ट लगे कि हम तुम्हारे साइड में खड़े हुए हैं, हम कुछ वैसे भी नहीं कर रहे हैं। बिना अध्यक्ष के कंसेंट के वो अनाप शनाप किसी के बारे में बोले जा रहे हैं, ये बिना अखिलेश यादव की ओके से हो ही नहीं सकता। और हम सब की आस्थाओं के साथ खेल रहे हैं, तो ये मानसिक स्थिति ही खराब है, बस उनके तो प्रार्थना ही करनी चाहिए हम सबको। आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव, डिंपल यादव कहते हैं कि नहीं, वो उनका निजी मामला है, बयान देते हैं इस तरह का, और हमारी भी राम में आस्था है, क्या अखिलेश यादव ये बताएंगे कि अगर कोई इस तरीके की ओछी हरकत करे और वो अपनी पार्टी में रख लेंगे, और पार्टी में ही नहीं रख लेंगे, उसे इतने बड़ा पद दे देंगे कि वो उल्टी सीधी बात करे? सच यही है कि अखिलेश यादव जी और डिंपल जी के ही बोलने पर या कहने पर वो इस तरीके की बात बोल रहे हैं, अपनी मानसिक स्थिति को शो कर रहे हैं, और ये समाजवादी पार्टी की गलती है कि अगर वो ये मानते हैं कि वो पर्सनल बोल रहे हैं तो वो क्लियर करें कि वो समाजवादी पार्टी से बाहर हैं। वो समाजवादी पार्टी में रह करके बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में बोल रहे हैं, चाहे लाख अखिलेश यादव या डिंपल जी कह दें कि नहीं वो अपना पर्सनल बोल रहे हैं। ये गलत है और ये समाजवादी पार्टी के द्वारा ही कराया जा रहा है, ताकि उनको लगता है कि इससे हमें कुछ मुस्लिम वोट मिल जाए, जो अब मिलना भी नहीं है वो सारे मुस्लिम वोट। मुझे लगता है कि ज़्यादातर मुस्लिम कांग्रेस की तरफ कुछ रुझान बढ़ा रहे हैं, अब सपा को वो भी वोट नहीं देंगे। तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान एक राजनीतिक बयान है, और एक तरह से जो 2000 अगर चुनाव की बात करें, जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको एक बार साधने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह के बयान लगातार वो विवादित बयान दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी शह है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।